नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संदीप सिंह और हवा बड़ी सुहानी चल रही है। उजाले को कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि उजाला उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना, जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने जा रहा हूँ। उजाला कोई मायने नहीं रखता है, उजाला ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है जब आप चाहेंगे तब। तो सब्जेक्ट इस प्रकार है कि हम सभी लोग कभी ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि कोई ना कोई पुलिस वालों की बाइक पर बिना हेलमेट में या कोई और नियम कानून तोड़ते वक्त वीडियो या फोटो शेयर कर देता है, ऐसा देखा भी जाता है। तो इन मामलों में मेरा ये कहना है, आज मैंने भी देखा था, दो पुलिस वाले थे एक बाइक पे, ऑफिशियल जो सरकार की तरफ से बाइक मिली वो वाली बाइक थी, साइड के इंडिकेटर टूटे हुए थे और दोनों ही बिना हेलमेट में थे। तो कभी कभी हम जब बिना हेलमेट में मिल जाते हैं या कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छे पुलिस वाले होते हैं, वो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार में देख लेना, हेलमेट पहनवा देते हैं। लेकिन जिनको काटना होता है 10,000, 5,000, 1,000, 500, 100, 200 चालान काट देते हैं, तो क्या सरकार को या प्रशासन को इन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए, या फिर जो इनके सीनियर आला अधिकारी हैं उनको इन्हें नहीं समझाना चाहिए कि भैया जब भी बाहर निकल रहे हो तो हेलमेट लगा कर निकलो बाइक पे, बिना हेलमेट के नहीं निकल रहा है। आपातकालीन मर्यादा नाश्ते वो ठीक है, समझ में आता है कि मैं रास्ता देख के क्रॉस करता हूँ, पहले रोड क्रॉस करता हूँ। आपातकाल में तो चलता है कि मान लो किसी चोर को पकड़ने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो तो आप निकल गए, वैसे हेलमेट उस समय भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है उस समय चलता है, क्योंकि आपातकालीन में मर्यादा का पालन नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है ये पुलिस वाले इतना रिलैक्स थे और फिर आगे आके एक जगह रुके भी, वो तो मतलब वो क्लियर था, वो किसी क्राइम के पीछे नहीं थे, अपने किसी पर्सनल काम से या फिर ऑफिशियल किसी छोटे मोटे काम से कहीं जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि भैया प्रशासन को इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमारा चालान भी काट देता है। तो यही मेरा कहना था, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, दुरुस्त रहो, और हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।